हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा यूट्यूब में जितना भी मैकेनिक काम करते हैं, यूट्यूब चैनल है जिसका हमारे चैनल पे आया है, और कुछ बातें करेंगे लॉकडाउन की। और आप लोग सुनिए, फुल वीडियो आप पॉज देखिए, क्योंकि जितना भी आदमी अभी बात करेंगे सब मैकेनिक है, एक से बढ़कर एक, और आपको मिल जाएंगे आपके उस्ताद की तरह। और इन सब के चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सजीर बाइक गुरु। नमस्कार दोस्तों, वंडर मैकेनिक कानपुर से। हेलो, मैं हूँ राजवी। दीपक ऑटो सेंटर से दीपक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलेश और आप देख रहे हैं बाइक डॉक्टर। हेलो दोस्तों, मैं एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर उल्फतन सारी ब्लॉग्स, और आप सभी को स्वागत करते हैं। कौन तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें कासिम मोटो। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है मिथुन मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी है मिथुन मंडल मोटर। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम सुरज शेख, हमारे चैनल नाम एसआर मोटर्स। फ्रेंड, हम लोग अभी घर में है, इसलिए घर में है का हम लोग का इंडिया में एक वायरस आ चुका है, उसका नाम है कोरोना वायरस। क्या पूरा वर्ल्ड में फैल चुका है, पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग इंडिया में भी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम लोग का गैरेज भी बंद है। बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होने से क्या होगा, ये वायरस को रोकना बहुत जरूरी है। ये वायरस किसी का पास अगर हो गया, ये वायरस कोई भी दूसरा आदमी का अच्छा आदमी का साथ बात भी करेगा, वो वायरस फैल जाता है अपना। तो फ्रेंड, ये घर में रहने का समय है, घर में रहिए, फैमिली का साथ बातचीत करें, ये एक टाइम मिला है। तो फ्रेंड, घर में अगर बुजुर्ग है, बच्चा लोग है, उसका ध्यान ज़्यादा दें। फ्रेंड, ये जो वायरस है ये बहुत खतरनाक वायरस है। तो फ्रेंड, ये वीडियो जरूर शेयर करें दोस्त के पास, व्हाट्सएप में या मैसेंजर में या और कुछ चीज़ में शेयर जरूर करें, ताकि हर आदमी को पता चले। जैसे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सजीर बाइक गुरु। हेलो दोस्तों, अभी चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन हम सभी को मानना है। क्यों मानना है दोस्तों, हमारा देश अभी मुसीबत पे है, हम सबको निकलना है ये कोरोना वायरस से। तो कैसे निकले दोस्तों, अपने आप को घर से मत निकालो, अपने फैमिली को घर से मत निकालने देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अड़ोस पड़ोस गाँव में भी बोल देना, भाई घर से मत निकलो। जो कोई भी बाहर निकलता है बोलो भाई घर से मत निकलो, कोरोना वायरस लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को गौर कीजिए जो बूढ़े बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहे। सलाम वालेकुम, हमारा नाम सुरज शेख, हमारे चैनल नाम एसआर मोटर्स। सारा विश्व जुड़े महामारी आकार নিয়েছে कोरोना ভাইরাস। कोरोना ভাইরাস থেকে আমাদের মুক্তি পেতে গেলে আমাদের লকডাউন মেনে চলতে হবে, আর কি ইউজ করতে হবে, মুখে মাস্ক, স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড ওয়াশ বা সাবান। দয়া করে ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, অপরজনকেও সুস্থ রাখুন। दोस्तों, ये जो कोरोना बीमारी पूरा वर्ल्ड में महामारी की तरह फैली हुई है, ये हमारे इंडिया में भी दस्तक दे चुकी है, और कितने लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, हम घर में रहेंगे, अपने परिवार को देखभाल करेंगे, बूढ़ों और बच्चों को ज़्यादातर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और लॉकडाउन का पालन करेंगे, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, सरकार जो कह रही है उसका पालन करेंगे, और घर में रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। मेरा नाम है राजवीर। जैसे कि आप देख रहे हो, देश के अंदर एक महामारी फैली हुई है, और इसको ठीक करने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना होगा, और वो है स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि हम अपने घर में रहेंगे तो हम सबको सुरक्षित पाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको घर में रहना बहुत ज़रूरी है, देश का पालन करने के लिए, देश के हित में रहने के लिए आपको घर में रहना बहुत ज़रूरी है। घर में रहो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आप खुद करो, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को ना भेजो बाहर, उससे आपका फायदा होगा और आपको इस बीमारी से जल्दी ही राहत मिलेगी। धन्यवाद। ये जो कोरोना की महामारी है वो पूरे विश्व में फैल चुके हैं, तो आपसे एक ही विनती है कि आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके साथ दो शब्द और कहना चाहूँगा मैं आपको, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिलों से उलझने की ज़रूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बताएंगे कि देखिए, इस समय कोरोना का बीमारी है और सभी शहर में, राज्य में, ज़्यादातर सभी जगह है, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग सेफ रहें, क्योंकि हम चाहते हैं हम जब घर में रहते हैं
तो आप सभी लोग भी घर में रहें, और बहुत ही जरूरी है, बहुत कोई इमरजेंसी है तो आप घर से बाहर जाइए, क्योंकि आप कितने लोगों के संपर्क में आए, कहाँ पर यानी किससे बात करने में, किसी से यानी हाथ मिलाने में, किसी से यानी टच होने में, किसी के पास से यानी गुजरने में, आपको कहाँ से ये बीमारी के संपर्क में आ जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जैसे हम चाहते हैं घर में रहें, उसी तरह के आप भी घर में रहें, सेफ रहें और सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। चाहते प्रभु जैसे यानी ऊपर वाला आपको भी सेफ रखे और सभी को सेफ रखे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे COVID-19 के बारे में, जो पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन का हमें जो अच्छी तरह से पालन करना है, अपने हैंड वॉश करते रहना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, और अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखना है। तो दोस्तों, और खास तौर पर अपने घर के जो बच्चे और बूढ़ों हैं उन सबके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, और अपने घरों पर रहना है। बी सेफ एंड योर होम। आज का जो ये कोरोना वायरस महामारी बीमारी है, ये पूरे दुनिया में ये बीमारी फैल चुका है, हम सभी को इससे बचना चाहिए। बस छोटी सी मैं जानकारियाँ देना चाहता हूँ आप सभी के बीच। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटके चलिए, भीड़ सांस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। और यही चीज़ दोस्तों आज हम सबों को देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हम सभी को इससे बचना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना परिवार का ख्याल रखें।